नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑटो फ्रिक इंडिया में। आज हम बात करेंगे होंडा की जल्द ही लॉन्च होने वाली स्कूटर होंडा ग्रेजिया BS6 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर ले। हम ऐसे ही आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव के बारे में अपडेटेड रखेंगे। आज हमने लाइक का टारगेट 100 लाइक्स रखा है, तो लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होंडा मोटर्स लिमिटेड ने 17 जून 2020 को अपनी एक नई स्कूटर का टीजर रिलीज किया है। इस टीजर में दिखने वाली स्कूटर होंडा ग्रेजिया BS6 है। इस टीजर में स्कूटर का लुक बहुत ही बेहतरीन और स्पोर्टी लग रहा है। ये स्कूटर पिछले वाले मॉडल से ज़्यादा स्पोर्टियर और कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव के साथ दिख रही है। दोस्तों, होंडा की ये 125 सीसी वाली बाइक जून के एंड में लॉन्च हो सकती है। हमें टीजर से ये पता चलता है कि स्कूटर पे बहुत ही शार्प बॉडी वर्क किया है, जो कि स्कूटर को एक स्पोर्टी लुक और फील देगा। स्कूटर की फ्रंट लुक की बात करें तो स्कूटर का हेडलैम्प बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन एंड स्लीकर फिनिश के साथ आता है, जिसमें LED का उपयोग किया है। हैंडल बार की तरफ देखें तो काउल में हमें LED DRL दिया है, जो इससे पहले हमें होंडा डियो BS6 में दिखा था। स्कूटर हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाई देती है, जिसमें 3-स्टेप इको स्पीड इंडिकेटर और टैकोमीटर दिया है। पर हमें पता है कि टैकोमीटर ऑटोमेटिक स्कूटर्स में इतना उपयोगी नहीं रहता। हमें होंडा एक्टिवा 125 की तरह ग्रेजिया में भी रेंज इंडिकेटर देखने को मिलेगा। पर इसमें कमियों की बात करें तो हमें एक्सटर्नल फ्यूल फिल्टर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि होंडा ने अपने होंडा एक्टिवा 6G में यूज़ किया है। स्कूटर में और एक नए फीचर की बात करें तो हमें ACG साइलेंट स्टार्टर मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हमें होंडा ग्रेजिया में जो इंजन मिलेगा वो हम पहले ही होंडा एक्टिवा 125 में देख चुके हैं। पर एक्टिवा 125 का इंजन 124cc फ्यूल इंजेक्टेड मोटर चर्न्स आउट 8.29 PS एट 6500 RPM और 10.3 NM एट 5000 RPM पे चलता था। इन आउटपुट में कुछ माइनर बदलाव के साथ हमें ये इंजन ग्रेजिया BS6 में देखने को मिलेगा। हमें इस स्कूटर में फ्रंट साइड पे टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन मिलेंगे और रियर साइड पे सिंगल शॉक एब्जॉर्बर, जो कि एक 3-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल यूनिट के साथ होगा। हमें स्कूटर में फ्रंट की साइड में 12 इंच और बैक की साइड में 10 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। स्कूटर के फ्रंट साइड में हमें डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलेगी और बैक साइड में ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलेगी। ये स्कूटर ग्रेजिया BS4 से काफ़ी अलग है, तो होंडा इस स्कूटर का नाम अलग भी रख सकता है। पर ये स्कूटर ग्रेजिया BS4 का सक्सेसर है। ये स्कूटर लॉन्च होने के बाद काफ़ी सारे स्कूटर को भारी कंपटीशन देगी। दोस्तों, ये स्कूटर इसके प्राइस रेंज में आने वाली TVS Ntorq 125, सुजुकी बगमैन स्ट्रीट और एप्रिलिया SR125 को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देगी। और इस स्कूटर की प्राइस ग्रेजिया BS4 से 8 से 10 हज़ार ज़्यादा ही होगी, मतलब ये स्कूटर 62,000 से 70,000 रुपीज़ के बीच में आएगी। इस स्कूटर के शार्प और स्पोर्टी लुक के कारण इस स्कूटर को मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो आपको होंडा ग्रेजिया BS6 के फीचर्स कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।